स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरा मंडी की बेटी, हिमाचल की बेटी का नामांकन हुआ है। मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है, आज इस ऐतिहासिक दिन पर जब मैंने मंडी से नामांकन किया है, पहली बार सरकाघाट मंडी विधानसभा की किसी बेटी को इस तरह का एक मौका मिल रहा है। और आज के इस दिन पर हमारे परम पूजनीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी काशी से अपना नामांकन किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मंडी क्षेत्र की तरफ से, हिमाचल की तरफ से बधाई देते हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास जब भी दोहराया जाएगा, ये कालखंड ना कि सिर्फ भारत उद्धार, भारत के विकास, प्रगति, अस्मिता और आत्मसम्मान का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक युग, ये कालखंड हमेशा एक स्वर्णिम काल कहलाएगा। आज जब द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला, जो सामान्य जनजाति से होकर, आदिवासी जनजाति से होकर एक बहन, एक माता, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पद को धारण करती है, राष्ट्रपति बनती है, समस्त महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। आज महिलाएं चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन का जब रिप्रेजेंट करती है, तो समस्त महिलाओं की योग्यता में और उनकी क्षमता में कोई दो राय नहीं रह जाती है। आज हमारी बेटियां ना कि सिर्फ बढ़ चढ़कर जल थल नभ सेनाओं में हिस्सा ले रही हैं, जबकि तेजस और रफाल जैसे फाइटर जेट भी हमारी बेटियां चला रही हैं। दोस्तों, मंडी और भारत में आपको याद है, दशकों पहले एक वक्त था जब सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती थी, लेकिन आज का वो वक्त है जब ना कि सिर्फ जेंडर में सबसे ज्यादा समानता आई है, जबकि अगर आप गोद लेने के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेटियों को गोद लिया जा रहा है। ये जो सोच बदली है कि बेटी कोई बोझ नहीं है, ये जो सोच बनी है कि हमारी बेटियां अगर घर में होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी का पैदा होना कोई दुर्भाग्य है या हम पर किसी तरह का कोई बोझ है। ये जो सोच बदली है, इसका आधार क्या है? समस्त देश की सोच बदलने का सबसे बड़ा आधार है उनमें आत्मसम्मान जगाना। आज जब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कंगना को आपकी प्रत्याशी बनाकर भेजा जाता है, तो हमारी सोच बदलती है कि जब हमारी बेटियां हमारा नेतृत्व करती है तो हमारी सोच बदलती है। जब हमारी बेटियां देश में आगे बढ़ती हैं और देश का नेतृत्व करती है, तो समस्त महिलाओं का और बेटियों का मान और सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, ना कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना कि सिर्फ महिलाओं को पक्के मकान, इज्जत घर, गैस चूल्हे या क्या हुआ, थोड़ा सा बैठ जाइए ना, कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। बैठ जाओ थोड़ी। ना कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए गैस चूल्हे और उनको एक सुरक्षित वातावरण दिया गया,
सच है कि अगर हमारी बेटियों में आत्मविश्वास आएगा और उनकी जो व्यवसायिक क्षमता को भी अगर उपयोग में लाया जाएगा तो समस्त भारत जो है वो वृद्धि करेगा। अब वो हमारी बहनों के लिए लखपति दीदी की योजना के अंतर्गत हर बेटी हर बहन जो है वो अपना व्यवसाय कर पाएगी और जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी उन्हें लाखों रुपए कमाने का मौका दिया जाएगा, उन्हें व्यवसाय स्थापित करने का मौका दिया जाएगा। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं उन्हें आधुनिकीकरण से खेती करने का मौका मिलेगा। एक ड्रोन जिसकी कीमत लाखों में होती है वो ड्रोन हमारी बहनों को देकर आधुनिकीकरण की दृष्टि से जो है उन्हें खेती करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कालखंड में, क्योंकि अवश्य ही उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा है। एक गरीब माँ जिसने अकेले संघर्ष करके अपनी संतान को ना कि सिर्फ पाला बड़ा, उसके अंदर देशभक्ति, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है। आज जब मंडी की एक बेटी आगे आती है तो मंडी की समस्त हमारी जितनी भी पहाड़ी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा सम्मान जो है पूरे विश्व में बढ़ता है। और इसका और भी बड़ा बड़े स्तर पर जो देखने को मिलेगा 2029 के चुनावों में, जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा और 68 सीटों में से 22 सीटों पर हमारी महिला एमएलए लड़ेंगी और ऑफिस ज्वाइन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में के
ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। दोस्तों, हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था। हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानवीय नहीं है। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने झंडा उठाकर ऐलान करके वहां पे चौराहे पे झंडा गाड़ा था और भारत माता के नारे लगाए थे। उस दिन 90 के उस दशक में ये भारत समझ गया था कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये मनुष्य जो है वो भारत का भारत भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। आज उन्होंने 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया है और कश्मीर में भी भारत का ही संविधान आजादी के इतने वर्षों बाद अब लागू किया गया है। और पीओके में तो ये आलम है कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है। दोस्तों, तलवार के दम पर नहीं, किसी और दर पर नहीं, आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन है वो सुविचार के दम पर, सनातन के दम पर और भाईचारे के दम पर कर रहे हैं। आज हम G20 में देखते हैं उसका वो पूरी तरह से सफल निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है, 78% नरेंद्र मोदी जी की आती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। निश्चय ही अगर इस देश में राम के चरित्र से बढ़कर कुछ है तो वो राम भक्त है, और ऐसा राम भक्त जो कि राम का ही अंश है, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उनकी सेना का एक हिस्सा बन पाए। चाहे मैं उनके लिए गिलहरी का ही काम करूं, लेकिन आपकी मंडी की बेटी, आपकी प्रत्याशी बनकर, आपकी नेता बनकर, आपकी हमारी मंडी से जब एक ऐसी ऐतिहासिक लीड लगेगी कि जिसकी चर्चा जो है वो दिल्ली में होगी, तो निश्चय ही आपकी बेटी आपके हिमाचल के लिए बहुत ज्यादा गौरव और बहुत ही ज्यादा यश की बहुत ही ज्यादा यश लाएगी। जहां तक हिमाचल की उन्नति की बात है, मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक हिमाचल में काम करते हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए बिताया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधुनिकीकरण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हिमाचल में बहुत काम करने को है, लेकिन मोदी सरकार ने कीर्तपुर मनाली हाईवे से लेकर बाकी और जयराम जी की सरकार में 5000 किलोमीटर की सड़कें, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया है वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को यह आश्वासन देती हूं कि जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिली, अपनी जब मुझे बहुत ज्यादा ग्लैमर मिला, सक्सेस मिला, तो
तो ये नहीं कि मैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हिमाचल को भूल गई। मैं हमेशा अपनी रूट से जुड़ी रही, मैं हमेशा अपने हिमाचल से जुड़ी रही और आगे भी। अब ये समस्त हिमाचल जो है मेरा अपना परिवार है और मैं इसकी उन्नति के लिए और इसकी प्रगति के लिए पूरी योग्यता और अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। मंडी क्षेत्र में, क्योंकि आज हम मांडव ऋषि की इस पुण्य स्थली मंडी में हैं, तो मुझे याद आते हैं कि यहाँ पर विशेष करके हिमाचल एक देव भूमि है। समस्त देश के लोग ये समझते हैं कि हम हिमाचल में जाएं और आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो है हमें कुछ दर्शन हो, कुछ योग या अभ्यास की जो है उन्हें उम्मीद होती है हमारे हिमाचल की देवभूमि से। दोस्तों, यहाँ पर शिव धाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर ने अलॉट किया था, जयराम जी की सरकार उसे बना रही थी, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने उसे भी रोक दिया है। मंडी यूनिवर्सिटी, हिमाचल की सेकंड यूनिवर्सिटी जो है, जो यहाँ पर खोली गई है, उसे भी बंद कराने के कागार पर वो लोग आ चुके हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन अलॉट हो गई थी, उसका काम शुरू हुआ था, उसे भी बंद कर दिया गया है। ऐसे न जाने कितने प्रोग्राम, 1000 से ज्यादा कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। हमारी सरकार आएगी तो हमारे पुराने सारे काम हम फिर से शुरू करेंगे।